हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। आज का टॉपिक लिया है अपन ने बीबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जिन बच्चों को भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर लाइन में इंटरेस्ट है तो वो स्पेशलाइजेशन में बीबीए में अपन आईटी सेक्टर या आईटी जो स्पेशलाइजेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सीएस कंप्यूटर साइंस जिसको बोलते हैं, तो वो अपना स्पेशलाइजेशन अपन चूज कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक, आज का वीडियो इसी के बारे में होने वाला है कि बीबीए आईटी में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है एडमिशन का, क्या क्राइटेरिया रहता है, और बीबीए आईटी के बाद कौन कौन सी जॉब्स अपनी अवेलेबल है आईटी सेक्टर में या मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर में, वो अपन पूरे वीडियो में यही देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और इनकेस इस चैनल पर नए हैं और ऐसे एजुकेशनल कंटेंट आपको पसंद है तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है अपना जो कोर्स लेवल है अपना बीबीए इन आईटी में, वो अपना ग्रेजुएट लेवल है। दैट मींस 12th के बाद जो भी अपन डिग्री कोर्स करते हैं उसका लेवल होता है ग्रेजुएट, उसको यूजी लेवल भी बोलते हैं। दूसरी बात है ड्यूरेशन 3 ईयर्स का होता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हर जो स्पेशलाइजेशन है बीबीए में उसकी ड्यूरेशन 3 ईयर्स ही है ना। इसमें यह नहीं हो रहा कि आपका अगर स्पेशलाइजेशन है तो वो एक्स्ट्रा 1 ईयर एक्स्ट्रा 2 ईयर्स में होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। स्पेशलाइजेशन और आपका डिग्री जो है वो मिक्स होती है, वो कंबाइन ही होती है, जिसकी वजह से अपना जो स्ट्रक्चर है वो 3 ईयर्स का ही डिफाइन रहता है, राइट। आगे देखते हैं एग्जामिनेशन टाइप क्या है अपना। एग्जामिनेशन टाइप सेमिनली है जिसको सेमेस्टर सिस्टम बोलते हैं या एनुअल एग्जामिनेशन आपके होते हैं। ज़्यादातर 90% ऑफ द केसेस में ये सेमेस्टर सिस्टम ही चलता है आपका। आपको 5th या 6th सेमेस्टर में अपना स्पेशलाइजेशन चूज करने का मौका मिलता है, या कभी कभी कई कई कॉलेज या इंस्टीट्यूट 1st ईयर से ही एडमिशन के टाइम ही आपका स्पेशलाइजेशन आपसे क्लियर करवा लेते हैं और उसके बेसिस पर ही आपको मैनेजमेंट और आईटी सेक्टर के जो सब्जेक्ट होते हैं वो कंबाइन मिलते हैं 1st सेमेस्टर से या 1st ईयर से ही, राइट। आगे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है इसकी। 10+2 विद मिनिमम 50% मार्क्स, दैट मींस अगर आपको एडमिशन लेना है, बीबीए करना है किसी भी स्पेशलाइजेशन से, तो एटलीस्ट आपकी 50% होनी चाहिए 12th में। स्ट्रीम मैटर नहीं करती है, जैसे कि मैं हर बार बताता हूं आपको, बीबीए जो है इंडिपेंडेंट डिग्री है, आप साइंस के, आर्ट्स के, कॉमर्स के, कोई भी बच्चा बीबीए परस्यू कर सकता है, राइट। आगे देख लेते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। दोनों तरफ से एडमिशन हो सकता है, डायरेक्ट एडमिशन जिसको अपन मेरिट बेस्ड एडमिशन बोलते हैं, दैट मींस परसेंटेज के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है, प्लस एंट्रेंस एग्जाम भी लेती है कई कई यूनिवर्सिटीज, कई कई इंस्टीट्यूट आपके एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, उसके बेसिस पे एक एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, उसमें आपकी जैसी रैंक आती है उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है, राइट। फिर आगे देख लेते हैं कोर्स फी क्या है इसकी। नियर अबाउट कोर्स फी रहती है 75,000 से लेकर 3 लाख के बीच इसकी कोर्स फी रहती है, किसी भी स्पेशलाइजेशन पे आप परस्यू करिए। डिपेंड करता है कॉलेज की रेपुटेशन कैसी है, वहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, रेपुटेशन कैसी है, तो वो सारी चीज़ें डिफाइन करती है किसी भी कॉलेज की फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, राइट। आगे देख लेते हैं एवरेज स्टार्टिंग सैलरी, अगर आप जब बीबीए कर लेते हैं किसी भी स्पेशलाइजेशन से, इन दैट पर्टिकुलर केस आईटी से जब आप करते हैं, तो आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी रहती है वो 2 लाख से 5 लाख पर एनम, मतलब आपको साल के 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में कहीं पर भी बहुत अच्छा खासा आपको स्टार्टिंग सैलरी पैकेज मिल सकता है। आगे देख लेते हैं कॉमन सब्जेक्ट या टॉपिक्स देख लेते हैं जो भी आपको बीबीए इन आईटी में पढ़ने का मौका मिलेगा। सबसे पहला है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलपमेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आईटी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आईटी इन बिजनेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट। ये हैं आपके डिफरेंट सब्जेक्ट जो कि आपको बीबीए इन आईटी में मिलेंगे। इस सब्जेक्ट में जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैनेजमेंट और जो अपनी आईटी जो सीएस कंप्यूटर साइंस का जो सेक्शन है वो कंबाइन कर रखा है, बहुत अच्छा कोर्स कंटेंट बना रखा है आपको, मैनेजमेंट की थ्योरेटिकल नॉलेज प्लस जो आईटी लाइन का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो दोनों कंबाइन करके आपका कोर्स स्ट्रक्चर को तैयार करा गया है। अब देख लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या अवेलेबल है अगर आप बीबीए आईटी सेक्टर से करते हैं, तो मार्केट में बीबीए के बाद कौन कौन सी पोजीशन या कौन कौन सी जॉब में आप वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर आप बन सकते हैं, दूसरा इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर यू कैन बिकम, ग्राफिक डिजाइनर, हार्डवेयर नेटवर्क एक्सपर्ट, वेब डिजाइनर, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट, मेंटेनेंस टेक्नीशियन, ये चुनिंदा फील्ड हैं जिसमें आप अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं। अगर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में ही आईटी लाइन में या कंप्यूटर लाइन में ही आपको इंटरेस्ट है, आपको उसमें कैरियर बनाना है, तो उसमें आप अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं। तो ये था आज की इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी बीबीए इन आईटी के बारे में। एक सिंपल सा अपना स्पेशलाइजेशन का, अपन बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है जिसमें से आप आईटी लाइन, अगर कंप्यूटर लाइन में आपको बेसिकली इंटरेस्ट है तो आपके लिए बहुत अच्छी प्रेफरेबल लाइन रहेगी
बीबीए इन आईटी। आपको मैंने बता दिया इसका एंट्री लेवल कैसे होता है, आपका एडमिशन प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग सैलरी प्लस आपका कोर्स फी क्या रहेगा, ये सब्जेक्ट हैं आपके जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, प्लस ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आपको करनी पड़ेगी या आपको अप्लाई कर सकते हैं इन जॉब सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। हायर स्टडी के लिए आप MBA जब करेंगे तब भी IT लाइन से कर सकते हैं, CS लाइन से कर सकते हैं, तो आपके कैरियर डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ में, कैरियर एडवांसमेंट में आपको और थोड़ा CV में थोड़ा एनहेंसमेंट मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और जो भी आपके क्वेश्चंस है कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। दिस इज सुनील साइनिंग ऑफ।